गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पवित्रा वराडकर आज आपका स्वागत करने जा रही हूँ हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। LDP, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर शुक्रवार के दिन हम आपके लिए लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, उसमें सबसे बड़ा पैसा कमाने वाला व्यक्ति, जो अपने सारे सपने पूरे कर रहा होता है, वो लीडर होता है। तो आप सभी में वो लीडरशिप क्वालिटी एम्बाइब करने के लिए, डेवलप करने के लिए आज का सेशन हम आपके लिए हर शुक्रवार को लेकर आते हैं। और नए नए टॉपिक जो एक लीडर में होने बहुत जरूरी है, उसी टॉपिक को लेकर हम आपके सामने आते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। प्रभा देवी, मैं रहती हूँ मुंबई में और एक रिटायर्ड पैथोलॉजिस्ट हूँ, एक लीगल एडवाइजर हूँ, और पिछले कुछ समय से इस बिजनेस को बहुत सिंसियरली बिल्ड कर रही हूँ। क्यों बिल्ड कर रही हूँ? क्योंकि मैं अपना फ्यूचर ब्राइट देखना चाहती हूँ, बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ, बहुत सारे सपने अपने इस बिजनेस द्वारा मैं पूरा करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आज की तारीख में, आज की डेट में जो हम सीखने जा रहे हैं टॉपिक, दैट इज अचीवमेंट प्रोसेस। सफलता एक प्रोसेस है जो कई सारे टप्पों से होकर गुजरते हुए हमको मिलती है। और इसको समझाने के लिए कि कैसे आप इस बिजनेस में सफलता पाएंगे, कैसे आप अचीवमेंट पाते चले जाएंगे। अचीवमेंट पाने का मतलब ये नहीं है कि आपने शुरू किया तो हर रोज आपको सफलताएं मिलती चली जाएंगी, रेड कारपेट पे आपका स्वागत होगा और सफलता थाली में परोस के आपके सामने आ जाएगी। सफलता एक प्रोसेस है। आज के ट्रेनिंग में हम यही जानने जा रहे हैं कि क्या प्रोसेस है और किस प्रोसेस से आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। और इसको समझाने के लिए मैं बुलाने जा रही हूँ ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर तपन कुमार दास जी को, जोरदार तालियों के साथ। फ्रेंड्स, उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि डाउन टू अर्थ लीडर हैं, बहुत ही गहरी सोच वाले लीडर हैं और बहुत सारे लोगों को उन्होंने सफलता के नए आयाम पर पहुंचने में मदद की है। क्योंकि सच्चा लीडर वो होता है जो अपने लोगों को वहां पहुंचाता है जहां पे शायद वो अकेले नहीं पहुंच सकते थे। तो बिल्कुल ऐसे ही लीडर तपन कुमार दास जी हैं। तो जोरदार तालियों के साथ तपन जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम। थैंक यू पवित्रा मैडम, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू वेरी मच ऑल द लीडर्स, सबको नमस्कार एंड सबको स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। एंड सो आम आई ऑडिबल पवित्रा मैम? यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एंड आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है अचीवमेंट प्रोसेस। और दुनिया में हर कोई चीज़ों को अचीव करने के लिए हमको एक प्रोसेस की ज़रूरत है, बस उसके ऊपर आज बात करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम आप लोग आपके पास पेन एंड डायरी के साथ बैठिएगा, क्योंकि हम बहुत दिनों से ऐसे जूम सेशन अटेंड करते आ रहे हैं और ज़्यादातर लोग बहुत स्मार्ट वर्क करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं और बस सोचते हैं कि आगे जाके स्क्रीनशॉट को पढ़ते हैं, पढ़ेंगे और फिर उसको नोट्स बनाएंगे और फिर हमको कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप अगर ध्यान से अटेंटिवली बैठोगे और हर कोई पॉइंट जो आपको अच्छा लगता है अगर उसको आप नोट्स बनाते जाओगे, तो इसमें क्या होगा कि आप ज्यादातर जो चीजें को समझने के लिए आप समझ पाओगे और फिर उसको नोट्स बनाओगे, तो फिर आगे जाके आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। तो सबको रिक्वेस्ट है, मैं कुछ समय देता हूँ ताकि आप आपकी डायरी एंड पेन निकाल के रखिएगा। और दूसरी चीज, अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लगता है तो नोट्स बनाइए, क्योंकि ज्यादातर पॉइंट्स आपके ऑफलाइन लोगों ने आपको बता के रखे होंगे। ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट्स आपको आता नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई नया चीज मैं बताने वाला हूँ, राइट? इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने ऑफलाइन लोगों से जो सीखा हूँ, जो जानता हूँ, बस आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। लेकिन शुरू करने से पहले जरूर एक चीज बताऊंगा फ्रेंड्स, कि दुनिया में हर कोई सफलता एक प्रोसेस की जरिए आता है, हर कोई सफलता एक प्रोसेस के कारण आता है। तो कभी कभी लोग सवाल करते हैं कि ज्यादातर लोग सफल क्यों नहीं होते हैं, और ज्यादातर लोग सवाल करते हैं कि ज्यादातर लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं। और सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं है, सिर्फ हमारी फील्ड में नहीं है, हर कोई जगह पे ऐसा होता है, राइट? और हर जगह पे आप भी देखोगे लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्विट कर लेते हैं, और बहुत कम लोग सफल होते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि लोगों को वो जो प्रोसेस होता है ना, यहां से लेके वहां तक पहुंचने के लिए, आज जो लोग जहां पे खड़े हैं और अपने सपने तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस की जरूरत होती है, उसी प्रोसेस को मानने के लिए तैयार नहीं होते। और प्रोसेस के जरिया जाके वहां पे अपने सपने तक पहुंचने के लिए
जो प्रोसेस होता है इसको समझने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और जब वो प्रोसेस शुरू हो जाती है तब मैदान छोड़ के चले जाते हैं। और पीएचडी की है, राइट। मैं आगे एक एक पॉइंट्स आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल पॉइंट्स हैं, आप लोगों को सारी चीज पता है। और ये जो अचीवमेंट प्रोसेस होता है, ये अचीवमेंट प्रोसेस अगर आज आप समझ लोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि कल आपकी सफलता को बड़े करने के लिए आप कम से कम कंफर्म हो जाओगे कि मुझे इसी रास्ते को देके जाना है, और आगे अगर इसी रास्ता आएगा तो मुझे खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट करनी है और फिर अपना काम को करते जाना है, और मैं आगे जाके मेरे सपनों के पास पहुंच जाऊंगा, इसकी गारंटी है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, मैं आज जो आपको बताना पसंद करूंगा, अचीवमेंट प्रोसेस, दो शब्द है, एक तो अचीवमेंट है, और जो अचीवमेंट जो आप करने करने के लिए जा रहे हो, और ये अचीवमेंट ज्यादातर लोग अभी कर चुके हैं, और ज्यादातर लोग और भी बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं, इसको तो आपको पता है, लेकिन प्रोसेस क्या होता है? देखिए दोस्तों, प्रोसेस एक स्पैन होता है, एक पीरियड होता है, एक समय होता है, और इसी समय के अंदर हम एक से बढ़कर एक स्टेयर्स, एक स्टेप्स देके हम आगे बढ़ते हैं, राइट। जैसे हर कोई चीजें, जैसे कि आपको मैट्रिकुलेट बनने के लिए क्लास 10 में पास करके मैट्रिकुलेट बनने के लिए आपको 10 साल की प्रोसेस जरूरी है। एक माता को माता बनने के लिए 10 महीने की प्रोसेस की जरूरत है, राइट। हर कोई चीजें, 5 फीट 8 इंच का मेरा हाइट है, यहाँ पे पहुंचने के लिए मुझे 17-18 साल का प्रोसेस लगा। तो हर कोई चीजें अचीव करने के लिए आपको जो प्रोसेस की जरूरत पड़ता है, इसी प्रोसेस को मान लेना, समझ लेना, कर लेना, और जो प्रोसेस जब आता है इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना, आपकी बड़ी सफलता की गारंटी देता है। तो आज हम जो बात करेंगे दोस्तों, ज्यादातर लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और बहुत लोग चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाए, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इनकी सफलता इतने बड़े हो जाए कि इनकी लाइफ में बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, किसी को बहुत बड़ी पैसा चाहिए, किसी को बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, किसी को फॉरेन ट्रिप चाहिए, बहुत सारे लोगों को मान सम्मान इज्जत चाहिए। अगर आज हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों की, आपके पास भी सपने हैं, मेरे पास भी सपने हैं, अलग अलग लोगों के पास भी सपने हैं, बस इसी सपने को पूरा करने के लिए हमको जो प्रोसेस जरूरी है, और जो प्रोसेस देके हमको जाना पड़ेगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं थोड़ा समय लूंगा और मेरा स्लाइड को आपके सामने शेयर करने के लिए। पवित्र मैडम, थोड़ा कंफर्म कीजिएगा, फुल स्क्रीन आ रहा है मैम? यस सर, आ रहा है। ओके, तो शुरू करेंगे आज का प्रोग्राम, अचीवमेंट प्रोसेस। लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा दोस्तों, आज मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें मैंने अपनी अपलाइन लोगों से सीखा है, राइट। मैं जब शुरू किया था, एक्चुअली मैंने इसे बिजनेस को ज्वाइन किया 1999 में, मेरा 26 साल कंप्लीट हो चुका है इस इंडस्ट्री में। और मैं जब इस इंडस्ट्री में आया, जब मैंने बिजनेस को शुरू किया, उसी समय पे मैं एक टीचर हुआ करता था, और मैंने अपनी खुद की कोचिंग सेंटर चलाता था, और साथ ही साथ मैं सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर मिला, तो शुरुआत में मुझे इस बिजनेस के बारे में इतनी सारी चीजें पता नहीं था, मैं इतनी सारी चीजें समझ नहीं पाया था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं था कि मुझे इस बिजनेस को करना है, क्योंकि मैंने एक शख्स के बारे में सुना था, मिस्टर प्रमोद आचार्य सर, जो आज मेरे गाइड है, मेंटर है, राइट। इनके बारे में सुना था, उन्होंने 4 महीने में 39,000 रुपीज कमाए हैं, और बस मैंने उसी समय पे मुझे बहुत पैसों की जरूरत हुआ करता था, और मैंने पैसा कमाने के लिए, बहुत पैसा कैसे कमाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रमोद आचार्य सर के बारे में सुना था, तो मुझे लगा कि मैं इस इंडस्ट्री में आ जाऊंगा तो मुझे भी बड़ा पैसा कमाने के लिए मौका मिलेगा, और जिसके कारण मैंने इस बिजनेस को 1999 में शुरू किया। अब जब शुरू किया तो मुझे शुरुआत में मुझे सारी चीज नहीं आता था, क्योंकि मेरा जो बर्नर ब्रॉटअप हुआ है, मैं एकदम रिमोट एरिया में, गांव में मेरा बर्नर ब्रॉटअप हुई है, तो इसलिए मेरे पास ना कम्युनिकेशन स्किल हुआ करता था, ना प्रेजेंटेशन स्किल, ना मेरे पास कुछ नॉलेज हुआ करता था, ना मेरे पास कोई पर्सनालिटी अच्छी थी, ना मैं किसी की आंखों से आंखें मिला के बात कर पाता था, मतलब मेरे पास कोई भी ऐसी जानकारी नहीं थी, कोई भी नॉलेज नहीं हुआ करता था, मैं इतना स्मार्ट भी नहीं हुआ करता था, आंखों से आंखें मिला के बात करना भी मुझे नहीं आता था, क्योंकि मेरे अंदर डर हुआ करता था, मैं बहुत शाई टाइप का लड़का हुआ करता था। तो फिर मैंने जब आया इस इंडस्ट्री में, तो धीरे 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 मैंने खुद को बिल्ड करना शुरू किया, और आज आप जिस तपन दास को देख रहे हो, तो 26 साल पहले जो तपन दास था, जो मोदी का शुरू करने के समय पे मैं अपना एक सेकेंड हैंड साइकिल
और लेके मैं बिजनेस को शुरू किया था, लेकिन वो तपन साज नहीं है क्योंकि मैंने खुद को इतना बदल चुका हूँ और मैंने इतना प्रिपरेशन किया हूँ क्योंकि अब मुझे इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जाना था, मुझे इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ कमाना था, बहुत कुछ हासिल करना था। मेरे लाइफ में जो प्रोसेस आया उसी समय पे जब हम ट्रेनिंग मीटिंग में बैठते थे, हमको ऑल बहुत सारी ट्रेनर्स तब मतलब आते थे और हमारी जो अपलाइन लोग होते थे वो सारी अपलाइन लोग हमको यही चीज सिखाते थे, और उसी समय पे एक ट्रेनिंग हुआ करता था अचीवमेंट प्रोसेस, और उसी समय पे हमको सबसे पहले पता चला कि अगर हमको बड़े सफलता हासिल करनी है तो ये अचीवमेंट जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस के जरिए हमको आगे जाके पहुंचना है। तो इसी प्रोसेस के जरिए हर कोई चीज लोग जाके वहीं पे पहुंचे हैं, तो अगर इसी प्रोसेस हम भी फॉलो करेंगे तो हम भी जाके वहां पे पहुंच पाएंगे। तो फिर उसी समय से और ट्रेनिंग लिया, तो कम से कम जर्नी शुरू करने से पहले हमको पता चल गया कि आगे क्या क्या होने वाला है। और आज जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सारे लोगों को बताऊंगा, कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोग पुराने होंगे, कुछ लोग लीडर्स होंगे। तो आपको ये ट्रेनिंग जरूर मिला होगा, अगर नहीं मिला होगा तो आज नया होगा, लेकिन जिनको मिला होगा तो इनके लिए रिपीटेशन होगा आज। लेकिन एक बात मैं जरूर बताऊंगा दोस्तों कि आज इसे टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है इसी समय पे पैन इंडिया में हर कोई लीडर एक्साइटेड है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, बहुत आगे जाने के लिए, और मोदी केयर को नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस में लेके जाने के लिए। सिर्फ मोदी केयर नहीं, हम अपनी सक्सेस को नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस पे लेके जाने के लिए तैयार हैं। हम अपनी टीम में हर कोई लीडर को और नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस पे लेके जाने के लिए तैयार हैं। तो ऑल इंडिया में, पैन इंडिया में लीडर लोग एक्साइटेड है, सारी कंसल्टेंट एक्साइटेड है, लेकिन हम जब काम करने के लिए काम शुरू करते हैं और बीच में अगर थोड़ी सी इधर उधर की डाउनफॉल आता है, कोई हमको छोड़ के चला जाता है, कोई अलग अलग बातें करता है, कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई कमेंट करता है, और कभी हमारे नीचे हमारी बिजनेस जाता है, कभी हमारी चेक्स नीचे जाता है, तो फिर बीच बीच में कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं, और कुछ लोगों के मन में अविश्वास पैदा हो जाती है कि ये बिजनेस आगे बेहतर नहीं होने वाला है। लेकिन एक्चुअली फ्रेंड्स, दुनिया में एक चीज मैं आपको बताऊंगा, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ना कोई सफलता परमानेंट है, ना कोई विफलता परमानेंट है। एक सफलता परमानेंट नहीं है क्योंकि वो सफलता जो जहां पे आप पहुंचोगे वहां से पहुंचने के बाद थोड़ा सा नीचे आओगे क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, और जब नीचे आओगे फिर आप खुद को इतना बेहतर बनाओगे, फिर जो सफलता आज आप हासिल किए ना उससे ऊपर सफलता आप अचीव कर पाओगे। तो हर समय पे जब जहां पे आप पहुंचते हो वहां से जब आप एक कदम नीचे आते हो, दो कदम नीचे आते हो, वो सफलता आपके पास परमानेंट नहीं रहता है, लेकिन जो दो कदम नीचे आते हो वहां से आपकी तैयारी होती है कि आप कैसे उससे ऊपर सफलता में पहुंच जाओ, और उससे ऊपर सफलता आप कैसे खुद अचीव कर लो, राइट। और कोई विफलता परमानेंट नहीं होता है। आज जो विफलता लोगों के पास है आज है, लेकिन कल नहीं रहेगा, कल इनके लाइफ में बहुत सफलता आने वाला है। तो कहने की बात यह है कि बाहर की दुनिया में जो सारी चीजें घटता है, बाहर की दुनिया में जो भी सारी चीजें होता है, राइट, ये सारी चीजों को आपको एक्सेप्ट करना है, लेकिन आपकी अंदर से आपको उसी तरह मजबूत रहना है, उसी विश्वास को बरकरार रखना है, उसी माइंडसेट को बरकरार रखना है, और उसी सपने के ऊपर फोकस रखना है जो सपने देख के आपने इस बिजनेस को शुरू किया था। और मैं विश्वास के साथ बताऊंगा दोस्तों, मैं 26 साल की तजुर्बा है इस इंडस्ट्री में, 99 से मैंने शुरू किया था, अभी 2026 हो चुका है, और 26 साल के तजुर्बा से मैं बता रहा हूं, मैंने इस बिजनेस में बहुत बार गिरा हूं दोस्तों, और बहुत बार इस बिजनेस में उठा हूं। और जब मैंने इस बिजनेस में गिरा था, राइट, नो डाउट कुछ क्षण के लिए मन में दुख आता था कि बिजनेस गिरा, लोग छोड़ के चले गए, चेक से नीचे आ रहा है, लेकिन फिर मैंने बाउंस बैक किया और फिर अपना बेसिक्स किया, बेसिक्स किया, फिर अपने मैंने उसी अचीवमेंट प्रोसेस ट्रेनिंग को याद किया कि फिर से मुझे बड़ी अचीवमेंट करनी है, फिर से मुझे इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जो टॉपिक मैं आज आपके सामने रखा हूं ये बहुत पुरानी है, बहुत सारे लोगों को मालूम है, बस मेरा एक ही प्रयास रहेगा कि मैं आपको इसी जो ट्रेनिंग को और एक बार आपके सामने रिन्यू करके प्रेजेंट करूं, ताकि आपके समझ में आ जाएगा आज के बाद जो बड़ी सफलता आप उम्मीद रखते हो, जो बड़ी सफलता के लिए आज आप मेहनत कर रहे हो और सोच पे रहे हो, तो उसी सफलता आप जरूर हासिल कर लोगे, ये मेरा विश्वास है, और मैं आपको भरोसा दिलवाता हूं कि ये आपके साथ जरूर 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 100% होने वाला है। लेकिन बड़े से बड़े सफलता अचीव करने के लिए जो सबसे पहला चीज जो जरूरी है, अचीवमेंट प्रोसेस का जो सबसे पहला कदम होता है दोस्तों, वो होता है कि सपने बड़े दिखा करो।
स्टेप वन प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट प्रोसेस इज अ ड्रीम। होता है क्या है कि मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा दोस्तों। सपने क्या होते हैं? सपने आपकी परपोश हो सकते हैं, राइट? आपकी डिजायर हो सकता है, आपकी इच्छा हो सकती है, आपकी उम्मीद हो सकता है, आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकता है, आशाएं, उम्मीद, सपने, कुछ भी आप बोल सकते हो। इंसान तब मोटिवेटेड रहता है, इंसान तब कुछ नया करता है, इंसान तब कुछ बेहतर करता है, इंसान तब चैलेंजिंग हो जाता है, इंसान तब हार्डवर्किंग करता है, इंसान की कमिटमेंट लेवल बड़े हो जाते हैं जब आपके पास आपकी पर्पोस की क्लैरिटी होती है, जब आपके पास आपके सपने बड़े होते हैं। मुझे याद है कि बहुत लोग बीच में आते थे और बोलते थे कि तुम्हारा इंडस्ट्री ऐसा है कि यहाँ पे सपना बड़ा बड़ा दिखाते हैं, और शुरू शुरू में मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था, भाई सपने बड़े बड़े दिखाते हैं, राइट? सारे लोग बोलते हैं, लेकिन इसके सही जवाब क्या है? और फिर मैंने सोचा यहाँ पे तो सचमुच हम लोग सपने दिखाते हैं। और धीरे धीरे मैं हर महीना मैगजीन आता था, और उसी मैगजीन में मुझे एक चीज समझ में आया कि ये मैगजीन में हर 2 महीने के अंदर जो मैगजीन आता है, 3 महीने में एक बार मैगजीन आता है, बहुत सारे सफलता पाने वाले लोगों के फोटोग्राफ्स आता था। और एक दिन मेरे दिमाग में आया, हर 3 महीनों में इतने सारे लोग सफल होते हैं, इनकी फोटो मैगजीन में आता है। हमारी घर को तब आता था कॉन्टैक्ट मैगजीन, राइट? और जब कॉन्टैक्ट मैगजीन आता था, मैंने इनकी सफलता देखता था। तो फिर एक दिन दिमाग में आया, भाई जहां पे सपने पूरे होते हैं वहां पे सपने दिखाए जाते हैं। अगर आज आपको कोई बोलता है कि इस इंडस्ट्री में सपना दिखाया जाता है, हाँ मेरे दोस्त, यहां पे सपने दिखाए जाते हैं क्योंकि यहां पे सपने पूरे होते हैं। मैं एक आम इंसान हुआ करता था, बात करना नहीं आता था, प्रेजेंटेशन नहीं आता था, कम्युनिकेशन नहीं आता था, मतलब लोगों के सामने बैठ के किसी प्रोडक्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन करना, वो साहस मेरे अंदर नहीं था। अगर आज मैं इसी मतलब सिस्टम का टॉप टाइटल पे हूं, लाखों रुपया कमा रहा हूं, राइट, बहुत सारे सपने मेरे पूरे हो चुके हैं, तो ये सिर्फ इसी कंपनी के कारण, इसी सिस्टम के कारण, इसी प्रोडक्ट के कारण। और जहां पे सपने पूरे होते हैं वहां पे सपना दिखाया जाता है, जहां पे सपने पूरे नहीं होते हैं वहां पे क्यों सपने दिखाया जाएगा, मुझे बताओ। लेकिन हर कोई सफलता की शुरुआत एक अच्छी बड़ी सपनों से होती है। मुझे मालूम नहीं आपके सपने क्या हो सकता है। किसी के पास 2 बेडरूम फ्लैट का सपना है, तो किसी के पास एक पैलेशियल बिल्डिंग बनाने के सपने हैं, किसी के पास एक मतलब 4 लाख 5 लाख की कार घर के सामने खड़ा करना, उसी कार में अपने परिवार को लेके जाने की सपना है, तो किसी के पास एम पर मारुति और एम पर मर्सिडीज, किसी के पास मारुति के सपना है तो किसी के पास मर्सिडीज के सपने हैं। लेकिन अपना सपना तो अपना होता है। हर कोई सफलता की जो सबसे बड़ी रूट्स होती है, हर कोई सफलता की जो सबसे बड़ी जड़ होती है ना, वो होता है सपना और ड्रीम देखा करो। लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ है, और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा होगा, कि हम जब कुछ दिन काम करते हैं, हम अपने सपनों से डिफोकस हो जाते हैं। शुरुआत में हमने शुरू किया था इसी के कारण, आगे फिर धीरे 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 हमारी लाइफ में जो छोटे मोटे चैलेंज आता है, हम अपनी ड्रीम से ऊपर फोकस हटा देते हैं, फिर हमारी फोकस चैलेंजेस के ऊपर चले जाते हैं। तो जब ड्रीम्स के ऊपर फोकस चला जाता है, तो फिर हम हमारी एनर्जी को खो देते हैं, हमारी विश्वास को धीरे धीरे खोना शुरू हो जाती है। लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा दोस्तों, सपने आपके छोटे हो या बड़े हो, लेकिन सपना देखा करो, अपने सपने के लिए काम करो, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जहां पे सपने सिर्फ दिखाया नहीं जाता, ये वो इंडस्ट्री है जहां पे सपने पूरे करने की पूरे मदद भी की जाती है, पूरी की पूरी सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है, पूरी की पूरी कंपनी आपके साथ है, पूरी की पूरी सिस्टम आपके साथ है, आपको आपके सपने को पूरा करने के लिए। अगर आज आपके पास सपने नहीं है और आप सपनों में विश्वास नहीं रखते हो, तो मैं जरूर बोलूंगा सपना देखना शुरू करो। और शुरुआत में क्या होता था दोस्तों, हमने जब इस इंडस्ट्री में आया, मैं सच बता रहा हूं, मुझे सपने के बारे में कुछ मालूम नहीं था, ना मुझे स्कूल में पढ़ाया गया था, ना मैं कॉलेज में मुझे हमको पढ़ाया गया था, ना यूनिवर्सिटी में हमको पढ़ाया गया था, ना दोस्त रिश्तेदार, ना हमारी माता पिता हमको कभी ड्रीम्स के बारे में समझाए थे। लेकिन बचपन में तो एक ही चीज बताया जाता था, बड़े बड़े सोच मत रखा करो, बड़े बड़े सपने मत रखा करो। सपने एग्जैक्ट वर्ड यूज किया जाता था, नहीं किया जाता था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन अभी अगर हम कुछ भी बड़ा बात बोलते थे, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि बड़ा बड़ा बात मत करो,
राइट, बड़ा बात मत करो। तो लेकिन जब मोदी केयर में आया तब मुझे पता चला यहाँ पे बड़ा बात करना जरूरी है, क्योंकि जो बोलोगे वो स्थूल हो जाएगा, जो बोलोगे वो हासिल हो जाएगा। तो बोलने से तो हर कोई चीजें होती है। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि बड़े बड़े सपने कैसे दिखाए जाते हैं। और मैंने जब मोदी केयर में ज्वाइन किया दोस्तों, सबसे पहले मुझे सिखाया गया कि तुम्हारी, मुझे पूछा गया कि तुम्हारी सपने क्या है। मैंने बोला मेरे सपने क्या मुझे पता नहीं। फिर बताया गया कि तुम गोल सेट करो, लेकिन मुझे नहीं मालूम नहीं था कि गोल सेट कैसे की जाती है, सपने क्या होते हैं, गोल सेट कैसे की जाते हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं था। लेकिन फिर हमको ट्रेनिंग दिया गया कि सपने क्या होते हैं, गोल्स क्या होता है, और धीरे धीरे मैंने इसके ऊपर सीखना जो शुरू किया। फिर मैंने बड़े बड़े चीजें सोचना शुरू किया, और धीरे 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 मैंने मेरे जो फोकस जरूरत से हटा के मैंने अपनी चाहत के ऊपर ले गया, नीड से हटा के मैंने अपनी ड्रीम्स के ऊपर ले गया। फिर मैंने देखा कि इस प्लान के अंदर बहुत सारी चीजें हासिल किया जा सकता है। और विश्वास कीजिए दोस्तों, सेकेंड हैंड साइकिल से शुरू मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, लेकिन दिमाग में सपना था कि मुझे यहां से 1 लाख रुपया महीना कमाना है। तो 99 में मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था, कंपनी के पास सिर्फ 10-12 प्रोडक्ट हुआ करता था, उसी समय पे 1 लाख रुपया महीना कमाना, कमाने के लिए सपना देखना, आपको क्या लगता है आसान है या मुश्किल है? उसी समय 1 लाख रुपये के बारे में सोचना भी आसान नहीं था, लेकिन जब हमको सपनों की पाठ पढ़ाया गया, मैंने उसी समय पे सपना देखा कि मुझे 1 लाख रुपया महीना कमाना है, मुझे गाड़ी लेना है, फॉरेन ट्रिप जाना है। मैंने 3 सपने उसी समय पे माइंडसेट किया, और उसके बाद हमको सिखाया गया कि आप गोल सेट करो। देखो सपने क्या होता है कि आप जानना चाहते हो कि 5 साल के बाद मैं कहां पे पहुंचना चाहूंगा, 10 साल के बाद मैं कहां पे पहुंचना चाहूंगा, राइट? अगर आज आप सोच पा रहे हो कि आज मैं जहां पे हूं, जिस परिस्थिति में आज हूं, वो परिस्थिति मेरे साथ 5 साल के बाद नहीं रहना चाहिए। और दोस्तों देखो, मैं एक बात बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को मिला हूं, बहुत सारे लोगों के साथ मिलके काम करता हूं, और मैं जब लोगों के साथ मिलता हूं, राइट, मुझे पता चलता है कि लोगों के पास 5 साल पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ करता था, 10 साल पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ करता था, आज भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, गारंटी नहीं है दोस्तों 5 साल के बाद वो कहां पे पहुंचेंगे। अगर आज हम इस चीजों को नहीं समझेंगे तो फिर कल हमारी भविष्य तो अच्छे नहीं होने वाला है। तो अगर आज समझ पा रहे हो कि मेरा अतीत कैसा हुआ करता था, आज मेरी लाइफ कैसी है, और आने वाले दिनों में मेरा लाइफ कैसे होने वाला है, आप पूछोगे क्या मैं सोच लूंगा तो हो जाएगा, एब्सोल्युटली हो जाएगा। सोचना तो शुरू करो, क्योंकि सोच बनाए जिंदगी। अब जो सोचते हो वही काम आपके साथ होता है। जो आज नौकरी करता है ना, वो कभी ना कभी सोचा था कि मुझे नौकरी करनी है, इसलिए उन्होंने आज नौकरी कर रहा है। जो आज व्यवसाय करता है, इन्होंने कभी ना कभी दिमाग में पहले सोचा था कि मुझे व्यवसाय करनी है, इसीलिए तो आज व्यवसाय कर रहा है। ऐसा कोई एक चीज बताओ जो हासिल करने से पहले आपने कभी सोचा नहीं। चाहे आपके मोबाइल फोन हो, चाहे आपके लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, आपकी गाड़ी हो, आपकी फॉरेन ट्रिप हो, आपकी शादी हो, आपके बच्चे हैं, ऐसा एक चीज मुझे बताओ जो हासिल करने से पहले आपने सोचा नहीं। बस वही चीज तो मैं बता रहा हूं, अनकॉन्शियसली आपने सारे काम किए हो, लेकिन बड़े बड़े सफलता उसी फॉर्मूला के कारण आ जाती है हमारी लाइफ में, लेकिन इसको समझने के लिए हम तैयार नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ड्रीम देखना जरूरी है, 5 साल के बाद लाइफ कैसी होने वाला है, 10 साल के बाद मैं कहां पे पहुंचने वाला हूं, मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसा होगा, मेरे कमाई कितने होंगे, ये सारी चीजें जब आज आप सोचोगे और उसके लिए आप काम करोगे, और जब ड्रीम्स आपने देख लिया, फिर आपको करना क्या है कि द स्टेप टू इज डिजायर्स एंड गोल्स। देखो हर कोई चीजें एक बार देख लेने से, समझ लेने से, सोच लेने से कभी नहीं होता है। डिजायर का होता है कि कोई ऐसे कोई चीजों को हासिल करने के लिए बार बार लगातार आपके मन में इसकी इच्छा जो होती है ना, ये धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाती है। सुबह शाम दिन रात आप एक ही चीज के बारे में सोचते रहते हो, मेरे पास पैसा आ रहा है, 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 मेरा गाड़ी आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, मैं अपना गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा हूँ, मैं अपने घर में खुद रहता हूँ, खुद रहता हूँ, मैं अगले साल फॉरेन ट्रिप जा रहा हूँ। मतलब कोई भी चीज, कोई सपना आपने देख लिया, उसी चीजों के बारे में बार बार सोचना, उसी चीजों को दिल से प्यार करना, उसी चीजों को हासिल करने के लिए खुद की अंदर से मोटिवेटेड रहना और कमिटेड हो जाना, इसको कहते हैं डिजायर।
और जिसके जितनी बड़ी डिजायर, जिसकी जितनी बड़ी इच्छा शक्ति होती है, शुरुआत में हमको सिखाया गया था कि आपके पास बर्निंग डिजायर है, और सिर्फ डिजायर होने से नहीं होगा, बर्निंग डिजायर होना जरूरी है कोई चीज को हासिल करने के लिए। एकदम पागलपन, एकदम पागलपन। जब आपके पास वो पागलपन होता है ना कोई चीज करने के लिए, कुछ चीज हासिल करने के लिए, आपको दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो रोक पाएगा मेरे दोस्त। इसको कहते हैं डिजायर, और डिजायर के साथ गोल सेट होती है। आपके पास जो डिजायर बड़ा होता है तो आप गोल सेट कर लेते हो। मैंने सिर्फ सोचा नहीं, देखा नहीं, मैंने सिर्फ सोचा नहीं, आज मैं बार बार सोचता हूं और मेरे अंदर से वो मोटिवेशन आ जाती है, और मेरा डिजायर बड़ा हो गया है। और मैं, आप क्या करोगे, धीरे धीरे गोल सेट करना शुरू करोगे, और गोल सेट करना जरूरी है। आपके मन में जो चीजें चलता है इसको आपकी नोटबुक में लिखना, इसको कहते हैं गोल सेट। गोल सेट इज नथिंग बट इट्स ए ड्रीम विथ ए टाइम इस बिग दैट बिकम्स ए गोल, राइट। जब सपनों के साथ अपने टाइम को ऐड करते हो कि मुझे 1 लाख रुपया कमाना है, लेकिन आपकी उसके साथ एक टाइम डाल देते हो, टाइम मिला लेते हो, फिर क्या होता है, समय जब ड्रीम के साथ मिल जाता है, आपको एक पीरियड मिल जाता है, एक समय मिल जाता है, जिस समय के अंदर काम करके आप उसी को अचीव करना चाहोगे। ड्रीम प्लस टाइम इज इक्वल टू गोल। और डिजायर जो होता है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हर कोई चीजों की अचीवमेंट जो होता है ना, इसकी शुरुआत आपकी प्रबल इच्छा शक्ति से शुरू होती है। आप कितना डिजायर लेवल कितने बड़े हैं, लोग एक बार सोचते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, 2 बार सोचते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, कुछ लोग 1 महीना तक सोचते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, कुछ लोग 6 महीना तक सोचते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, कुछ लोग 1 साल तक सोचते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन सफल इंसान अपनी अंदर वो डिजायर को तब तक रखता है जब तक वो अपने सपने तक पहुंचने जाता है, और जब तक अपने सपने को हासिल करने देता है। इसलिए डिजायर इज द बिगिनिंग, ये शुरुआत है। और जब आप गोल सेट करते हो, एक गोल स्टेप क्या, गोल सेट क्या होता है, आपकी सफलता का सबसे पहला कदम होता है। मतलब आपने लिख लिया, मतलब ये आप हासिल कर लोगे। और पावर ऑफ रिटेन गोल्स, इसके ऊपर बहुत सारे ट्रेनिंग भी हुआ है दोस्तों। शुरुआत में हमको सिखाया जाता था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कैसे कि प्रोफेसर ने मैनेजमेंट स्टूडेंट लोगों को लेके एक स्टडी किया, और उसमें से उनको पता चला कि कितने परसेंट लोगों की लाइफ में है, राइट, आपका गोल्स है। 83% पीपल दे हैव नो गोल्स, दे हैव नो गोल्स, एंड 14% पीपल दे हैव गोल्स बट नॉट हैविंग रिटेन गोल्स। इनके पास सपने थे लेकिन कुछ लिखा हुआ नहीं। लेकिन सिर्फ 3% ऐसे स्टूडेंट हुआ करते थे जिनके दिमाग में अपने सपने थे, और इन्होंने अपनी डायरी में लिख के रखे थे कि हमको ये अचीव करनी है। और वो जो स्टडी था ना, उसके बाद देखा गया 10 साल के बाद उसी प्रोफेशन ने सारी स्टूडेंट लोगों की, जब उनकी, जब मतलब उनके बारे में पता चला, या फिर देखा जो 3% लोग, और जो 14% और जो 83% 83% लोग थे, ये 83% लोग जितने कमाते थे, 14% लोग जिनके पास सिर्फ दिमाग में सपने थे लेकिन कहीं पे लिखे नहीं थे, उनसे 10 गुना ज्यादा कमा रहे। और जो 3% लोग थे वो इनसे बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे, बहुत बड़ी सफलता इनके हासिल हुआ था। तो फिर उन्होंने प्रूव किया कि जो लोग सपने देखते हैं और उसी सपने को एक बार अपनी नोटबुक में लिख लेते हैं, तो उनकी उनकी सपने दूसरों लोगों से बहुत बड़ी हो जाते हैं, इनकी सफलता दूसरों लोगों से बहुत बड़ी हो जाती है, और ये दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। तो पावर ऑफ रिटन गोल्स, आप जब आपके सपने को लिख लेते हो तो फिर आपकी प्रोसेस, आपकी जो सक्सेस की शुरुआत वहीं से शुरू हो जाती है। ये आपकी सफलता की पहली कदम बन जाती है क्योंकि आपने अपने गोल को लिख लिया। तो डिजायर्स एंड गोल्स जो होता है, ये दूसरा स्टेप्स होता है आपकी सफलता के लिए। तो जो भी चीजें आपके दिमाग में, उसको लिखना शुरू करो। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, राइट, स्टेप्स ऑफ गोल सेटिंग। आपने कैसे कैसे, आपकी सबसे पहले मैं जो शुरुआत किया था उसी समय पे मेरे साथ जो जो चीजें हुआ था, बस मैं वही चीज आपको क्लैरिटी के साथ बताऊंगा, स्टेप्स वाइज बताऊंगा। पहला स्टेप्स मुझे जो बताया गया था कि डिफाइन योर गोल या आइडेंटिफाई योर गोल।
आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए उसको पहले आप दिमाग में पिक्चर डालो और फिर दिमाग में सोचो, जो मन में आपकी जवाब आता है इसको डायरी में लिखो। तो डिफाइन करो अपनी गोल को। मुझे पहले पूछा गया तुमको कितना रुपया इनकम चाहिए, तो फिर मैंने घर में बैठा सोचा कितने चाहिए कितने चाहिए कितने चाहिए, मुझे बहुत पैसों की जरूरत हुआ करता था। तो मैंने पहला अपनी ड्रीम फाइनेंशियल गोल को डिफाइन किया, आइडेंटिफाई किया कि उसी समय पे मैंने डिसाइड किया अगर मैं 1 लाख महीना नहीं कमाऊंगा तो फिर मेरे लाइफ बेहतर होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैंने पूरे के पूरे विश्वास के साथ मैंने लिखा था कि मुझे 1 लाख रुपया महीना चाहिए, और फिर मैंने अपना डेट डाला। मुझे बताया गया था कि ड्रीम के साथ जब गोल जब टाइम डालोगे तो फिर ये गोल बन जाएगा। तो पहले मैंने डिफाइन किया आइडेंटिफाई किया कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। उसी समय पे मुझे मैंने गाड़ी का सपना देखा था और मुझे पूछा गया था, मेरे अपलाइन लोग पूछे कि बता तेरा कौन सा गाड़ी होना चाहिए और कलर कैसा होना चाहिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कौन सा गाड़ी चाहिए और मुझे मेरा कलर क्या होना चाहिए उसी गाड़ी का। फिर मैंने उसी गाड़ी का फोटो लाया, घर में चिपकाया दीवार पे। तो वो जो चीजें होती है ना, डिफाइन और आइडेंटिफाई योर गोल, जब तक आपके दिमाग में कितने पैसा कमाओगे, अगर गाड़ी लेना है कौन सी गाड़ी लेना है, कौन सा ब्रांड का होगा, कितने रुपए का होगा, कलर कैसा होगा, इसको कहते हैं डिफाइन, राइट। अगर आपको घर बनानी है तो कितने स्क्वायर फीट की जमीन होना चाहिए, कैसा घर होना चाहिए, कितने बेडरूम होगा, कितने टॉयलेट होगा, अगर ये सारी चीज आप डिफाइन नहीं करते हो, आइडेंटिफाई नहीं करते हो, तो फिर आप उसके लिए काम नहीं कर पाओगे। तो गोल सेटिंग का जो सबसे पहला स्टेप्स होता है ये होता है डिफाइन और आइडेंटिफाई योर गोल्स, राइट। और इसके बाद जो दूसरी स्टेप्स होती है दोस्तों, उसको कहते हैं राइट योर गोल्स डाउन। आपके जीवन में जितने सारे सपने हैं इनको सिर्फ सोचने से नहीं होगा, इसको करना क्या पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए शुरुआत में हमको बताया जाता था, आपको पता है दोस्तों, नेम लिस्ट बनाना जरूरी है, नेम लिस्ट बनाना जरूरी है, लेकिन शुरुआत में हमको भी बताया गया था नेम लिस्ट भी बनाओ, ड्रीम लिस्ट भी बनाओ। तो मैंने क्या किया था, एक ड्रीम लिस्ट बनाया था मैंने, और ड्रीम लिस्ट में लिखता गया कि मुझे क्या, एक लंबा सा नोटबुक लाया, लंबा सा कॉपी, और जिसमें मैंने अपना एक एक पेज में एक एक ड्रीम लिखना शुरू किया, राइट। एक एक पेज में एक एक ड्रीम लिखना शुरू किया, और उसी समय हमको बताया गया था सपने दिमाग में पहले होते हैं, उसके बाद उसको पेन और पेपर में आपको लिखना पड़ेगा। जब पेपर में लिख लेते हो तो आपकी प्रोसेस शुरू हो जाती है अचीवमेंट की, क्लियर। और जब मैंने लिखा दोस्तों, मेरे अंदर ना जाने एक कमिटमेंट बड़ा हो गया और मेरे अंदर से एक विश्वास आ गया, मैंने लिख लिया मतलब हो जाएगा। ये क्यों ऐसा सोच आया, ऐसा क्यों भाव मेरे अंदर पैदा हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन जब से मैंने लिखा हूं मेरे ड्रीम, तब से मेरे अंदर एक अलग सा विश्वास है, अलग सा कमिटमेंट है, अलग सा काम करने की इच्छा है, और डिजायर लेवल बड़ा हो गया जब मैंने इसको लिखना शुरू किया। और मैंने जब वो केस स्टडी सुना और बहुत सारे ऐसे केस स्टडी, और मेरे जो ग्रेट मेंटर गाइड मिस्टर प्रमोद आचार्य सर, उन्होंने हर समय पे अपना डायरी दिखाते हैं, मैंने इसको लिख के रखा था इसको हासिल कर लिया, इसको लिख के रखा था इसको हासिल कर लिया, इन्होंने ऐसे 100 चीज हासिल किए हैं जो चीजों को उन्होंने अपनी डायरी में लिख के रखे थे, और इनसे मैं ज्यादा प्रभावित हुआ। फिर मैंने अपनी डायरी में हर कोई चीजें लिखता गया, लिखने के समय कभी कभी अविश्वास हुआ, फिर भी लिखता गया लिखता गया लिखता गया। और ड्रीम को जब आप गोल में कन्वर्ट करते हो, और इसको लिखना जरूरी है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, हर समय पे अपने गोल को प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना जरूरी है। कैसे लिखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसा नहीं कि आई विल अर्न 1 लाख मंथली इनकम, ऐसा मतलब आई विल अर्न, क्योंकि आप आपके दिमाग को मैसेज दे रहे हो मैं करूंगा आगे जाके, राइट। वो समय कब आएगा हमको पता नहीं, क्योंकि वो फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस आपके हर समय पे फ्यूचर रहेगा, और वो आपकी प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट लाइफ में कभी नहीं आएगा, अंडरस्टैंड। इसलिए कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना है, आई एम अर्निंग ₹1 लाख पर मंथ बाय सो एंड सो डेट एंड मंथ एंड ईयर, आई एम ड्राइविंग माई ड्रीम कार, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको हर कोई ड्रीम को लिखना जरूरी है। नंबर थ्री में क्या होता है, लिस्ट बेनिफिट्स एंड ऑब्स्टेकल्स, लिस्ट बेनिफिट्स एंड ऑब्स्टेकल्स। अगर मैं 1 लाख रुपया कमाने के लिए मैंने डिफाइन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर उसके बाद मेरे अपलाइन ने पूछा, अगर तू 1 लाख कमाएगा तो करेगा क्या, मुझे बोल, अगर तुझे पता नहीं कि तू 1 लाख रुपया कमाएगा तो लेके तू क्या करेगा, तू कमाने के लिए क्यों मेहनत करेगा, तू तो करेगा नहीं। फिर मैंने घर में बैठ के उसका फिर लिखना शुरू किया, मैंने एक्चुअल पैसा मुझे 1 लाख रुपया क्यों चाहिए,
और फिर मैंने लिखा कि मैं अगर कार लूंगा, 1 लाख रुपया जब कमाई होगी तब तो मेरे पास कार होगा, कार में तेल इतना होगा, गाड़ी का EMI इतना दूंगा, फिर गाड़ी का मेंटेनेंस खर्चा इतना होगा, महीने में गाड़ी के लिए 20 हजार तो खर्चा होगा। फिर 1 लाख रुपया जब मैं कमाऊंगा तो उसी समय पे मेरा जो घर में मैं रहूंगा, मैं तो भुवनेश्वर में तब किराए में रहता था, और मैं सोचा कि किराए में रहता तो फिर मेरा किराया कैसा होगा, मेरा कितना रुपया का होगा, और फिर मैं कैसे घर में मतलब रहता हूंगा, और मेरा जो ड्राइंग रूम होगा वहां पे मेरा सोफा, बेडरूम में मेरा बेड, वो सारी चीज कैसे होगा, लग्जरी कैसे होगा, और उसके लिए मुझे कितना पैसा खर्चा होगा, और मैं ट्रैवल करता था राइट, और ट्रैवलिंग में मेरा कितने पैसा खर्चा होता है, और उसके लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, और मुझे अच्छी कपड़ा अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, उसके लिए कितने खर्चे होने हैं राइट। मुझे मैंने क्या किया कि हर कोई चीजों को डिफाइन किया, लिस्ट द बेनिफिट, मैंने 1 लाख रुपया अगर कमाऊंगा तो ये सारी फायदे मुझे होगा, इसको मैंने लिखना शुरू किया, लिस्ट द बेनिफिट, अंडरस्टैंड। और मुझे बताया गया था कि तुम काम करने से पहले, शुरू करने से पहले पहले तुम ऑब्स्टेकल तो समझ लो। मैंने पूछा कि भाई ऑब्स्टेकल समझना क्यों जरूरी है, और मुझे बताया जो गया था उसी समय पे, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे बताया गया था कि ऑब्स्टेकल को समझना इसलिए जरूरी है। एक कहानी छोटा सा बताऊंगा दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल ताकि आप समझ पाओगे, कि मान के चलो आप आपकी दरवाजे के पास खड़े हो, और अलग सडन क्या होता है कि आपके दरवाजे में एक बहुत बड़ा धक्का लगता है, और जब दरवाजा खुल जाता है तब आपके सामने बहुत बड़ी शेर खड़ा हुआ है। इमेजिन करो आप दरवाजे के पास खड़े हो किसी भी कारण, और अलग चढ़ने की बहुत जोर से दरवाजे पे धक्का लगाया जाता है, और आप डर जाते हो, और जब दरवाजा खुल जाता है तो आपके सामने के शेर खड़ा है, तो क्या होगा आपकी सिचुएशन, आप डर जाओगे, आपके हार्ट बीट बड़ा हो जाएगा, चिल्लाओगे, भागोगे, है या ना। तो ये एक सीन है, और दूसरा सीन को थोड़ा सा इमेजिन करो जो मैं बताऊंगा आपको। दूसरा सीन ऐसा है कि आपको बताया गया कि कल 10 बजे तुम्हारे घर के सामने एक लड़का आएगा, लेकिन वो लड़का अपने कपड़ों से नहीं आएगा, एक शेर का कपड़ा पहन के आएगा, शेर का कपड़ा पहन के आएगा, और जब वो आएगा सबको डराने के लिए वो आएगा, तो आपका दरवाजा जोर से धक्का मारेगा और खुल के आपको डराएगा, आपको पहले से बताया गया, तो आप करोगे क्या, अगला दिन आप दरवाजे के पास खड़े हो, जोर से धक्का लगता है, तो आप मनी मन गया, अरे यार वो लड़का आ गया शायद, धक्का मार रहा है, और जब दरवाजा खुलेगा और आपके सामने शेर का कपड़ा पहन के वो खड़ा है, तो आप डरोगे, नहीं डरोगे, क्यों नहीं डरोगे, क्योंकि आपको पता है डरने की चीज तो है ही नहीं, क्योंकि पहले से बता के रखा है कि लड़का एक्चुअली शेर नहीं आएगा, शेर का कपड़ा पहन के एक लड़का आएगा जो सबको डराना चाहता है। तो अगर काम को जाने से पहले आप समझ लेते हो कि मैं जब लोगों के पास जाऊंगा, लोग मुझे इसी तरह बातें करेंगे, उसी तरह रिजेक्ट करेंगे, ऐसे नो बोलेंगे, ऐसे सजेशन देंगे, ऐसे क्रिटिसाइज करेंगे, और इस बिजनेस को ऐसे ऐसे बोलेंगे, जब पहले से आपको पता कर दिया जाएगा और आप समझ लोगे, बाद में जब लोग आपको बोलेंगे कि आप उनकी बातें सुनोगे, आप नहीं सुनोगे, क्यों, क्योंकि आपको पहले से पता है कि इसके फायदे क्या है, 1 लाख रुपया कमाने की फायदा क्या है, और दूसरा है इसी पैसों को कमाने के लिए जब मैं काम पे जाऊंगा, निकल जाऊंगा, तब मुझे रास्ते में ऐसा ऐसा ऑब्स्टाकल आ सकता है, अंडरस्टैंड। तो इसको जानना बहुत जरूरी है, और उसके बाद मैं के प्लान ऑफ एक्शन, इनको हासिल करने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो शुरुआत में मुझे बताया गया, क्या बताया गया, मुझे पूछा गया क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो, मैंने बोला हाँ काम करने के लिए तैयार हो, उन्होंने बताया कि मेरे अपलाइन लोगों ने बताया कि तुम कितने घंटा टाइम दे सकते हो, मैंने क्या किया उसी समय पे, मेरा कोचिंग सेंटर चल रहा था, मैं सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने कोचिंग सेंटर बंद कर लिया, मैंने अपना प्रिपरेशन बंद कर लिया, और मैंने मोदी केयर के लिए तैयार हो गया, सुबह 9 बजे निकल जाता था, रात को 11 बजे वापस आता था, मैं के प्लान ऑफ एक्शन मुझे बताया जाता था कि हर दिन तुझे प्लान शेयर करना है, प्रोडक्ट शेयर करना है, प्लान शेयर करना है, प्रोडक्ट शेयर करना है राइट। तो हमारा 3 गोल्डन रूल हुआ करता था, शेयर द प्लान, शेयर द अपॉर्चुनिटी, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी, सेल द इवेंट, शेयर द जो प्रोडक्ट को शेयर करो, प्लान को शेयर करो, और इवेंट में बैठ जाओ। और मैं क्या करता था, दिन भर हमारी जहां पे हम जाते थे लोगों के पास प्लान प्रेजेंट करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के लिए, शाम को आते थे, अगर कहीं पे मीटिंग होता था मीटिंग में बैठ जाते थे,
तो मेक ए प्लान ऑफ एक्शन। जब मैं जब 9 बजे निकल जाता था, रात को 11 बजे वापस आता था, इसी बीच में मुझे क्या क्या करना है मुझे पहले मालूम चले गया, मतलब मालूम हो गया था, और बस मैंने उसी तरह काम करना शुरू किया, और मेरे साथ भी मेरे अपलाइन हुआ करते थे, अंडरस्टैंड। तो मेक ए प्लान ऑफ एक्शन, जब आप आपके सपने के लिए काम करना चाहोगे और इसके लिए मतलब एक्शन प्लान आपके हाथ में होगा, तो फिर क्या होगा कि आप कोई दुविधा में नहीं रहोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बस सुबह उठोगे, बस वही काम का बार बार लगातार करते जाओगे, जो काम करने से आपको बड़े से बड़े सफलता आप अचीव कर लोगे। और शेयर योर गोल, राइट, आप जो गोल सेट करोगे इसको जाके आपके परिवार के लोगों के साथ पहले शेयर करो। मुझे याद है दोस्तों, मैं वो सारी चीज आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि शुरुआत में हमको भी बताया गया था, आपका गोल क्या है बताओ, आपकी गोल क्या है बताओ, आपकी गोल क्या है बताओ। जैसे बचपन में हमारी टीचर हमको पूछते थे, तुम क्या बनना चाहते हो भविष्य में बताओ, क्या बनना चाहते हो भविष्य में बताओ। हमारी माता पिता सिखाते थे, बेटा तू बड़े होने से इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। हमको माता पिता जो सिखाते थे, हम अपने टीचर को बता देते थे, लेकिन हम हमारी मन में आईएएस क्या होता है, आईएएस बनने से क्या फीलिंग्स होगा, क्या पावर होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं हुआ करता था। इंजीनियर बनने से क्या होगा, डॉक्टर बनने से क्या होगा, हमको कुछ मालूम नहीं था, लेकिन हमारे माता पिता को लगता था यही वो लोग हैं जो सफल हुए हैं, और आप आगे जाओगे उसी तरह सफल बनोगे, मतलब आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, अंडरस्टैंड। लेकिन हम जब बड़े होते गए, हमको पता चल गया कि हमारे अंदर इतना काबिलियत है ही नहीं, राइट, जो हमारे माता पिता चाहते थे वो हम बन जाए, अंडरस्टैंड। तो यहां पे जब मैंने काम करना शुरू किया, तो फिर मेरे अपलाइन लोगों ने पूछा कि तेरा सपना क्या है, तेरा सपना क्या है, तेरा सपना क्या है। फिर अब मैंने अपने सपने को बताना शुरू किया, मैं जहां पे मीटिंग जाता था पहले अपनी सपने बताता था। मैंने इस इंडस्ट्री में इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे 1 लाख महीना कमाना है, मुझे पैसिव इनकम अर्न करनी है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करनी है, ये मेरे गोल है, मैं बहुत कम उम्र में रिटायर्ड होना चाहता हूं। मैंने अपने सारे गोल को लोगों के सामने शेयर किया, मैंने जो लोगों के सामने शेयर किया, पहले अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर किया, फिर लोगों के साथ शेयर किया, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर किया, तो फिर कुछ लोगों का भरोसा बढ़ा हुआ, और जो लोग जिन लोगों की भरोसा बढ़े हुए ना, वो मेरे साथ रहे, मेरे साथ काम करना शुरू किया। और कुछ लोग जरूर मुझे बताया कि देख बड़ा बड़ा सपना मत दिखाकर, ये सपने पूरे नहीं होते हैं, ये तो तुम्हें तो बेवकूफ बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे कमेंट क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन मैं कमेंट क्रिटिसाइज करने वालों की बात नहीं सुनता था, मैं ज्यादा चैलेंजिंग होता था और मैं इनको करके दिखाने की कसम लेता था, फिर मैंने नेक्स्ट काम पे चले जाता था। लेकिन शेयर योर गोल, अगर आप अपने गोल को शेयर करोगे तो आपके अंदर क्या होगा, कमिटमेंट लेवल जो होता है ना, ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और ये भी होना जरूरी है क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्यों काम करते हो, फिर इनके सपने बड़ा होगा, वो भी अपने सपने गोल सेट करेंगे और फिर वो अपना काम शुरू कर लेंगे। एंड मेक अ विजन बोर्ड, आपके घर में, आपके बेडरूम में आपके विजन बोर्ड होना जरूरी है, आपकी नजर के सामने आपकी विजन होना, मतलब भविष्य में आप क्या बनोगे, 5 साल के बाद जिंदगी कैसे होगा, राइट, कितने कमाना चाहोगे, कौन सी गाड़ी होगी, कैसी घर होगा, राइट, कैसा पेरेंटिंग होगा, आपकी लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, वो जो सारी चीजें आप सपने देखे हो, गोल सेट किए हो ना, इसको विजन बोर्ड में चिपका दो, सुबह शाम दिन रात उसको देखो, क्योंकि कोई ना कोई होना चाहिए जो आपको रिमाइंड कर हर दिन, देख तपन तेरा ये सपना है और तुझे अचीव करनी है। अगर आपके घर में विजन बोर्ड नहीं है तो फिर आप बड़े से बड़े सपना के भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो क्यों, क्योंकि आगे जाके आप भूल जाओगे। अगर आपकी दीवार पे आपकी 1 लाख रुपया कमाना, 2 लाख कमाना, 5 लाख, आप जितना चाहते हो, आपको 10 हजार चाहिए तो बस उसको लिखो, आपको 20 हजार चाहिए तो 20 हजार लिख के आपकी दीवार पे चिपका दो आपके बेडरूम में, और सब सुबह जब उठोगे तो देख लोगे आई एम अर्निंग 20,000 मंथली इनकम, अंडरस्टैंड। जब आप शाम को सोने के लिए जाओगे तो फिर दीवार पे चिपका हुआ वो आपका जो ड्रीम है, जो गोल है ना, इसको पढ़ के सो जाओगे, भाई मुझे 10 हजार के, 20 हजार के, 30 हजार के, 50 हजार के, 1 लाख महीना कमाना है, ताकि आपके विजन बोर्ड जो है ना, ये आपको रिमाइंड करता रहेगा कि आपके सपने ये है, आपकी गोल्स ये है, बस आप आपकी गोल के लिए काम करनी है, आप आपके सपने के लिए काम करनी है, सो मेक अ विजन बोर्ड। तो ये जो स्टेप्स होती है ना, ये स्टेप्स पर गोल सेटिंग होती है, इसको मानना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड। और हमको सिखाया गया स्मार्ट गोल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, राइट, टाइम बाउंड के साथ, आप जो रियलिस्टिक और टाइम बाउंड के साथ आपको गोल सेट करनी है, इसको स्मार्ट गोल कहते हैं, लेकिन इसी स्टेप को मानना बहुत जरूरी है, राइट। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, इसके बाद जो स्टेप्स आते हैं इसको कहते हैं क्या,
प्लानिंग। देखो दुनिया में कोई भी काम आप करते हो ना प्लानिंग के साथ करते हो, ऐसा कोई काम नहीं है जो बगैर प्लानिंग में आप करते हो। मुझे बताओ आपने लाइफ में कभी पिकनिक किया? आप बोलोगे हाँ। मुझे बताओ पिकनिक अगर आपको 1 तारीख को करना है, कितने दिन से पहले आपको प्लानिंग करना पड़ता है? कोई बोलेगा 10 दिन पहले, कोई बोलेगा 15 दिन पहले, कोई बोलेगा 1 महीने से हमारा प्लानिंग होके रखे थे हम लोगों ने, राइट? मैंने कुछ लोगों ने अभी मतलब ऑल इंडिया टूर में गए हैं, और मेरा जान पहचान के मैंने उनको पूछा कि भाई आप ऑल इंडिया टूर में गए हो तो कब प्लानिंग किया था? उन्होंने बोला 3 महीने से पहले हम लोगों ने प्लानिंग करके रखे थे। मतलब अगर आपने कहीं घूमने के लिए जाओगे तो पहले से प्लान करते हो, पिकनिक बनाओगे तो पहले से प्लान करते हो, घर बनाओगे तो पहले से प्लान करते हो, शादी करवानी है तो पहले से प्लान करते हो। अगर हर कोई चीजें हम पहले से प्लान करते हैं, आपके लिए सफलता क्या हम पहले से प्लान नहीं करना चाहिए? हमारी सफलता के लिए हमको पहले से प्लान करके रखना बहुत जरूरी है, और ज्यादातर लोग जानते हुए भी करते नहीं है। प्लीज खुद के साथ इतने बड़े नाइंसाफी मत करो। अगर आपको 1 लाख रुपया महीना कमानी है तो आपको करना क्या है कि पहले प्लानिंग करना शुरू करना पड़ेगा। सो प्रोडक्टिविटी इज नेवर एन एक्सीडेंट माय डियर फ्रेंड। आप आगे जाके जो प्रोडक्टिव रिजल्ट आप प्रोड्यूस करने वाले हो, वो प्रोडक्टिव रिजल्ट जो प्रोड्यूस करोगे ना, यू कोई बाई एक्सीडेंट नहीं आ जाएगा, ये पूरी प्लानिंग के साथ आएगा। घर आपने खड़ा किया पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ, पिकनिक बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल किया पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ। कहां से नॉनवेज आएगा, कहां से वेज आएगा, और कौन कौन नॉनवेज खाएंगे, कौन कौन वेज आएंगे, वेजनू पे हम कैसे जाएंगे, कौन कौन अपनी गाड़ी में जाएंगे, कौन कौन टैक्सी में जाएंगे, और कितने बजे हमको वहां पे पहुंचना है, वहां पे खाना कौन बनाएगा, शुरुआत में स्टार्टर क्या होगा, फिर हमारे मेन कोर्स में क्या होगा, अंडरस्टैंड? सो सारी चीज हम पहले से प्लान करके रखें तो कोई भी ऐसा प्रोडक्टिव काम आपने बाई एक्सीडेंट आपको नहीं मिला है। सो प्रोडक्टिविटी इज नेवर एन एक्सीडेंट माय डियर फ्रेंड। और आप जो प्रोडक्टिव रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो उसके लिए आप खुद को तैयार करते हो। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो दुनिया आज भी यहाँ पे और हर शहर में जाके प्रिपरेशन करते हैं। मैं जो पूछता हूँ भाई प्रिपरेशन की चीजों की ना भाई, नौकरी करने की, अगर नौकरी करनी तो प्रिपरेशन क्यों जरूरी है? एंड प्लानिंग प्रिपरेशन सबको करना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप खुद के प्रिपरेशन को बड़ा कर ले तो कमिटमेंट टू एक्सलेंस, प्लान प्रेजेंटेशन बेहतर करनी है, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन बेहतर करनी है, प्रोस्पेक्टिंग बेहतर करनी है, लोग तरह तरह का सवाल करेंगे, उसके सवाल के जवाब हमको बेहतर तरीके से हमको देना है। कमिटमेंट टू एक्सलेंस, अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं है कि भाई हमारी मन में डाउट है, डर है, हम लोगों के सामने जाना नहीं चाहते, हम प्रेजेंटेशन सीखना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, हम खुद को तैयार नहीं करना चाहते हैं। आप लोगों ने कभी ड्रामा में हिस्सा लिए हो? जब आप ड्रामा में हिस्सा लेते हो ना, 1 महीने पहले से प्रैक्टिस चलता है, रिहर्सल चलता है। अगर आप राजा का रोल लेते हो ना, 1 महीने से आप 1 महीने के बाद एक रात के लिए आप ड्रामा स्टेज शो होगा, लेकिन उसी रात की स्टेज शो को बेहतर करने के लिए 1 महीने से आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, प्रिपरेशन आपकी चलेगी, ऐसे जाएंगे, प्लानिंग आपकी शुरू हो जाएगी, हमारी सीन जब आएगा हम ऐसे कदम लेके जाएंगे, ऐसे हम हंसेंगे, ऐसे डायलॉग डिलीवर करेंगे। आप 1 महीना तक प्रैक्टिस करते हो, प्रिपेयर करते हो, प्लानिंग करते हो, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तब जाके वो जो वन नाइट प्ले होता है आपका थिएटर, आपके ड्रामा, उसी ड्रामा में आप बेहतर करते हो परफॉर्मेंस, और लोग तालियां मारते हैं, क्या कमाल की एक्टिंग किया है। उसी कमाल की एक्टिंग को दिखाने के लिए आपने 1 महीने से रिहर्सल कर रहे हो। कमिटमेंट टू एक्सलेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रोडक्टिविटी इज नेवर एन एक्सीडेंट माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट? इट्स ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ ए कमिटमेंट टू एक्सलेंस। कोई भी काम करेंगे लेकिन उसी काम में मास्टरी बन जाएंगे, किसी के साथ बात करेंगे, किसी को ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे, किसी को प्रेजेंट मतलब हम मोदी केयर के बारे में बताएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताएंगे, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्लैरिटी देंगे, कोई अगर हमारे बिजनेस में आ जाएगा उसको हम कैसे तैयार करेंगे, इसको हर कोई प्रोडक्ट के हर कोई प्रोडक्ट के ऊपर कैसे ट्रेन करेंगे, हर कोई सिस्टम के ऊपर कैसे ट्रेन करेंगे, वो सारी चीजों को खुद को सीखना बहुत जरूरी है। ये प्लानिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप खुद तैयार नहीं हो जाते हो आपकी बड़ी सफलता अचीव करने के लिए, तो बड़ी सफलता कैसे हासिल होगा? हाँ देखिए, एक बात बता रहा हूँ दोस्तों आपको, कि एक चीज जरूर मान लेना कि किसी के कंधे पे लटक के आप बड़े सफलता नहीं हासिल कर सकते।
अगर बड़े से बड़े सफलता अचीव करनी है तो खुद को जिम्मेदारी उठाना, अपने कंधे पे जिम्मेदारी उठाना बहुत जरूरी है। और जब आप मेहनत करते हो, चाहे कितने भी तकलीफें आ जाए, लेकिन आपकी फोकस जो होता है ना, ये हटना नहीं चाहिए। आपकी जो एफर्ट करते हो, जो मेहनत करते हो, ये मेहनत के ऊपर फोकस रहना जरूरी है। कोई आए, कोई छोड़ दिया, कोई किया, कोई नहीं किया, कोई फोन उठाया, कोई फोन नहीं उठाया, ये आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है मैं तब तक काम करता जाऊंगा, तब तक करता जाऊंगा, तब तक करता जाऊंगा, तब तक करता जाऊंगा, जब तक मैं अपने सपने को अचीव ना करूं। तो फोकस्ड एफर्ट जो होता है, ये आपके साथ होना बहुत जरूरी है। अगर आप आपकी लाइफ में प्लान करने के लिए हार जाते हो, फेलिंग टू प्लान मीन्स प्लानिंग टू फेल, अगर आप प्लान करने के लिए फेल मार जाते हो, तो आप अपनी खुद की फेल्यूर को प्लानिंग आपने खुद अपने हाथों में कर लिया। सो प्लानिंग इज द थर्ड स्टेप, ये प्रोसेस का आपका तीसरा स्टेप है, राइट, आपकी बड़े से बड़े सफलता अचीव करने की। और उसके बाद आता है दोस्तों एक्शन। एक्शन चेंजेस थिंग्स माय डियर फ्रेंड, हर कोई चीजों में जो बदलाव आती है ना, ये काम की जरिए आता है। कोई बार बार प्लान प्रेजेंटेशन करते 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 प्लान प्रेजेंटेशन का मास्टर बन जाता है, प्लान प्रेजेंटेशन का मास्टर बन जाता है, क्योंकि रिपीटेशन क्रिएट मैंने ब्रिंग्स मास्टरी इन यू माय डियर फ्रेंड। आप कोई भी काम करते हो ना, आप उसी काम को जो बार बार लगातार, बार बार लगातार, बार बार लगातार करते हो ना, उसमें मास्टर बन जाते हो, आप एक्सपर्ट बन जाते हो। इसलिए एक्शन चेंजेस थिंग, बार बार जो एक्शन करते हो। और काम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो उम्मीद तो बड़ा रखते हैं, सपने तो बड़ा देखते हैं, चाहत बड़े रखते हैं, लेकिन अपनी उम्मीद, अपनी चाहत, अपने सपने, अपनी इच्छाएं के लिए कभी काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और काम वो चीजें होती है जो आपकी सपने को पूरा करने की हिम्मत रखता। द पाथ टू सक्सेस इज टू टेक मैसिव डिटरमिंड एक्शन। कोई दुनिया में कुछ कह दे, लेकिन मैं अपने काम से नहीं हटूंगा। लेकिन दुख लगता है कभी कभी, दुख लगता है कभी कभी, लोग थोड़ी दिन के लिए काम करते हैं, बड़े से बड़े सफलता की उम्मीद रखते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको तब तक करते जाना, करते जाना, करते जाना, जब तक आप अपने मंजिल पे नहीं पहुंच जाते हो। थोड़ा काम करके अगर रुक जाओगे, तो फिर वहां से अगर आप शुरू करोगे ना, आप जीरो से शुरू करोगे। जैसे फ्लाइट रनवे में जब टेक ऑफ करने के लिए भागता है ना, और भागने के समय अगर आधी रास्ते में रुक जाएगा, तो फिर से उनको वापस आना पड़ेगा उसी रनवे में, भाग के फिर टेक ऑफ लेने के लिए फिर जीरो पे आना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप आपकी लाइफ में काम करने के समय पे थोड़ी देर काम करके रुक जाओगे ना, फिर उसके बाद जब शुरू करें, फिर आपसे आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जैसे फ्लाइट रनवे में आधी रास्ते में रुक जाता है, तो वहां से जाके फिर टेकअप नहीं करता है, फिर से उनको वापस पुरानी जगह पे आना पड़ता है, जहां से उनकी जो स्पीड बढ़ा हुआ था, राइट, जहां से उन्होंने टेकअप करने के लिए स्पीड पकड़े थे, राइट, उसी जगह पे वापस आना पड़ेगा। उसी तरह आपको अगर आधी रास्ते में रुक जाते हो, तो फिर आप फंस जाओगे। तो यू नीड डिटरमिंड एक्शन, मैसिव डिटरमिंड एक्शन, क्योंकि काम वो एक ही चीज होती है दोस्तों। बार बार लोग बोलते हैं हैड वर्क जिस जो करते हैं, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। और इसीलिए दोस्तों अंग्रेजी में कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है, एन आइडल मतलब एन एक्टिव फूल इज बेटर देन एन आइडल वॉइस। एन एक्टिव फूल, कोई ऐसा बोका इंसान, बुद्धू इंसान, लेकिन काम मेहनत तो ज्यादा करता है, वो बेहतर है देन एन आइडल वॉइस। एक बहुत बुद्धिमान इंसान जो घर में बैठा हुआ है, आप बहुत ज्ञानी हो, बहुत बुद्धिमानी हो, आपके पास बहुत सामर्थ्य है, लेकिन घर में बैठे रहोगे तो फिर खाना आपके पास भाग के नहीं आएगा। आपको पता है जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा शेर है। जंगल का राजा है इसीलिए बैठने से खाना नहीं मिलता, उसको भी खाना के पीछे रात जब सुबह होती है ना, फिर वो भी अपने खाने के लिए भागता है। तो आपके पास कितने भी सामर्थ्य हो सकता है, और आपके पास कितने भी बड़े संभावना भी होता है, लेकिन जब तक आप काम नहीं करोगे ना, आपकी सामर्थ्य काम करेगा ना, जितने सारी चीजें संभावना आपके पास हुआ करता है ना, वो आप अचीव कर पाओगे।
तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है, काम करना बहुत जरूरी है, और काम को प्यार करने वाले दुनिया में अक्सर बहुत बड़े पैसे कमाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं, और काम ना करने वाले जो कामचोर होते हैं ना, ये दुनिया में जिंदगी भर वो कंप्लेन करते रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, लेकिन इनको पता नहीं कि ये लोग अपना काम छोड़ दिए हैं, बस उम्मीद करके बैठे हैं थोड़े दिन कुछ किया इसको लेके हमारे ऊपर पैसों की बारिश हो जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। हमको काम पे जाना बहुत जरूरी है, फोर्थ स्टेप है आपकी अचीवमेंट प्रोसेस का। और दोस्तों एक बात बताऊंगा आपको कि काम क्या करने, अगर आपके पास कोई डाउट है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करनी है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक्स आर फॉर द विनर्स। जितने लोग चैंपियन हुए हैं, मिलियनेयर क्लब में गए हैं, बड़े बड़े सफलता अचीव किए हैं, इन लोगों ने जो बेसिक्स काम को बार बार लगातार करके पहुंचे हैं, वही काम को आपको बार बार लगातार करनी है, और वही काम मैं करते आ रहा हूं, आज भी कर रहा हूं। सबसे पहले काम की सेल्फ यूज, मैंने कुछ लोगों को देखा हूं कि कुछ दिन प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसके बाद इस प्रोडक्ट की यूज नहीं करते हैं, मार्केट से प्रोडक्ट उठा के लाते हैं। इसमें क्या होता है कि मुझे पता नहीं वो आगे जाके क्या करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि इनकी जो लॉयल्टी होती है ना, ये ब्रेक हो जाती है। लॉयल्टी मतलब, ये लॉयल्टी प्रोग्राम वाला ऑफर नहीं बोल रहा, कंपनी के प्रति जो लॉयल्टी होना चाहिए, आप कितने लॉयल हो कंपनी के लिए, कितने लॉयल हो सिस्टम के लिए, कितने लॉयल हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कितने लॉयल हो अपने वचन के लिए, कितने लॉयल हो अपने अपलाइन के लिए, ये बहुत बड़ी सफलता की गारंटी देती है आपकी लॉयल्टी फॉर द कंपनी, फॉर द सिस्टम, फॉर द योर अपलाइन, फॉर योर डाउनलाइन, फॉर योर एंटायर टीम एंड फॉर योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपकी आपके अंदर एक इंसान है जो आपको बाहर की दुनिया में आप क्या कर रहे हो वो देख रहा है आपको। देखो मैं एक चीज मानता हूं दोस्तों, बाहर की प्रोडक्ट मेरी किस्मत नहीं बदलाएगा, लेकिन मोदी का प्रोडक्ट मेरे सारे सपने पूरे कर पाएगा, तो मैं क्या करूं, अंडरस्टैंड? तो सेल्फ यूज बहुत जरूरी है इसी इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, मोदी केयर का प्रोडक्ट दिल से प्यार करो, दिल से प्यार करो, यही वो प्रोडक्ट है जो आपकी बैंक अकाउंट में हर महीना जो पैसा चाहते हो वो हर महीना आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा, यही वो प्रोडक्ट है जो आप सपना, जो गाड़ी का सपना आपने देखे हो ना, उसी आपकी घर के सामने वो गाड़ी खड़ा करने के लिए यही वो प्रोडक्ट जो आपको मदद करेगा, जो फॉरेन ट्रिप जाने के लिए आपने कभी सपना देखे हो यही वो प्रोडक्ट है जो आपको वहां पे लेके पहुंचाएगा, जितने बड़े सफलता जो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जहां पे पहुंचना चाहते हो, जो फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम, फ्रीडम ऑफ लाइफ, और मतलब फॉरेन ट्रिप, रिकॉग्निशन, वो जो भी सारी चीज आपने सपने देखे हो ना, वही वो यही वो प्रोडक्ट है जो आपको वहां पे पहुंचाएगा। प्यार करो ना एक बार इसी प्रोडक्ट से, नो लॉजिक, नो लॉजिक, अंडरस्टैंड? बस अपने इतना लॉयल हो जाओ इसी सिस्टम के लिए, इतना लॉयल हो जाओ इसी कंपनी के लिए, इतने लॉयल हो जाओ अपने अपलाइन के लिए, कि धीरे धीरे आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और नंबर टू, शेयर द प्लान एंड शेयर द प्रोडक्ट। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इस बिजनेस में हूं क्योंकि किसी ना किसी ने मुझे इस बिजनेस का प्लान दिखाया था। अगर बड़े बड़े हस्ती जो सफलता हासिल किए हैं, जिनके एग्जाम्पल मैं अगर लूंगा, अगर मैं मेरे सारे अपलाइन लोगों की एग्जाम्पल लूंगा, तो इन लोगों ने इस बिजनेस में इसीलिए आए हैं ना, क्योंकि कोई ना कोई इनको प्लान प्रेजेंट किया है, इनके साथ प्रोडक्ट शेयर किया है, इनके साथ प्लान शेयर किया है। आप जाके ढूंढ लो, जाके सवाल करो अपने अपलाइन को, सर आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए, वो बताएगा कोई ना कोई मेरा रिलेटिव, कोई ना मेरा दोस्त, कोई मेरा मतलब पड़ोसी, या मैं गाड़ी में जा रहा था, कोई अनजान आदमी मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, या कहीं से मुझे लिफलेट मिल गया, मैंने फोन कॉल किया, कोई ना कोई मुझे बताया, जिसके जिसके कारण मेरे पास जानकारी आई और मुझे इसकी भविष्य नजर आया इसकी इसी प्लान के अंदर, इसलिए मैंने बिजनेस में आ गया। अगर ये सच है तो मैं आपके बारे में सवाल करूंगा। मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, आज आप इस बिजनेस में कैसे आए? कोई ना कोई तो आपको इस बिजनेस का प्रोडक्ट और इस बिजनेस की प्लान आपके साथ तो शेयर किया होगा। अगर किसी ने आपको इसी बिजनेस का प्लान शेयर किया, प्रोडक्ट शेयर किया, जिसके कारण आप आ गए, क्या आपको लगता है कि आप प्लान शेयर नहीं करोगे, प्रोडक्ट शेयर नहीं करोगे, तो लोग आपके पास आ जाएंगे? ऐसा तो कभी नहीं होगा। अपनी टीम बनाने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए आपको जो सेकेंड बेसिक्स काम होता है, शेयर द प्लान एंड प्रोडक्ट।
हर दिन प्लांट दिखाओ, डेमो दिखाओ, 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 और जब वापस आते हो फिर बताओ वन मोर प्लान, 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 क्योंकि यही वो एक्टिविटी है, यही वो काम है जिसके कारण ज्यादा ज्यादा लोग आपके ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। देन डेवलप ए टीम, धीरे धीरे आपके ग्रुप में लोग आएंगे, आप टीम डेवलप करोगे, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जितना बड़ा टीम होगा उतना वॉल्यूम होगा, जितना वॉल्यूम होगा उतने चेक्स आएंगे आपके पास, और टीम में जितने लोग आएंगे इनको लीडर्स के रूप से डेवलप करवाओ, खुद लीडर बन जाओ, इनको लीडर्स के रूप में डेवलप कराओ, यही आपका एक्शन है, यही आपका काम है, डेवलप लीडरशिप। जो आपके ग्रुप में जितने लीडर है, आपके ग्रुप में जितने लीडर है, आपकी उतनी बड़ी बिजनेस है, उतना बड़ा चेक्स है आपके पास, एंड प्लग इन टू द एजुकेशन सिस्टम, खुद को एकदम एजुकेशन सिस्टम के साथ प्लग इन करके रखो। बिजनेस ऊपर जाता है तो सिस्टम में रहो, बिजनेस नीचे आता है तो डबल सिस्टम में, 2 बार दिन में प्रेजेंटेशन अटेंड करो, एजुकेशन 2 बार वीडियो देखो, पहले 1 बार देखते थे अभी 2 बार देखो, क्योंकि जब बिजनेस नीचे जाता है ना, लोगों के अंदर जो होता है ना नेगेटिविटी मतलब फैल जाती है, अंडरस्टैंड, उसी समय पे सारी चीज डबल होना जरूरी है। प्लग इन टू एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि एजुकेशन वो चीजें हैं जो आपको रास्ता दिखाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा, अंडरस्टैंड, ये बहुत जरूरी है। एंड हैव ए मेंटर इन लाइफ, बेसिक्स में सबसे बड़े बेसिक्स होता है मेंटर, जिसको आप अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर लो। अगर आप अनकंडीशनली इसको एक्सेप्ट कर लोगे तो इससे बड़े सफलता अचीव करने के लिए आपको कोई रोक नहीं पाएगा, इसकी गारंटी है मेरे दोस्त। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, चैलेंजेस, आपको पता है चैलेंजेस क्या होता है? हर इंसान की, हर जानवर की एक परछाई होती है, आप जहां पे जाते हो आपके साथ आपकी परछाई जाती है, और सफलता की परछाई चैलेंजेस होती है, आपके साथ चैलेंजेस है मतलब बड़े सफलता की गारंटी है, लेकिन आम आदमी इसको समझता नहीं है, एक आम आदमी इसको समझता नहीं, और समझने की इनके पास वो ताकत नहीं होती, वो दिमाग नहीं होता है, और जो चैलेंजेस आता है छोड़ देता है। अरे भाई, चैलेंजेस वो चीजें हैं जो आपकी बड़े से बड़े सफलता को गारंटी देता है। इट कम्स इन अवर लाइफ एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि जब आप चैलेंजेस आता है, नेगेटिविटी आता है, लोग मना करते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं, लोग सामान नहीं खरीदते हैं, लोग आपके प्रोडक्ट फोन नहीं उठाते हैं, तब ये लोग जो होते हैं ना, ये आपको मौका देते हैं बड़े सफलता अचीव करने के लिए, खुद को खुद के अंदर और प्रिपरेशन तगड़ा करने की, वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं जो सिचुएशन का मालिक कल आप बनने वाले हो, आपको वो सिचुएशन क्रिएट करके देते हैं जिस सिचुएशन का मास्टर कल बनने वाले हो, और उसी सिचुएशन का जो मास्टर बन जाता है ना, सफलता इसकी कदम चूमती है। लोग चैलेंजेस को क्या करते हैं, जब चैलेंजेस आता है लोग डर जाते हैं, भाग जाते हैं, डर जाते हैं, भाग जाते हैं, कब तक ऐसे करते रहेंगे मेरे दोस्त? हम डरेंगे, भागेंगे चैलेंजेस से तो बड़े से बड़े सफलता कभी नहीं आएगा, और ये भी मैं बता रहा हूं, ये बहुत नेचुरल है, लोग आएंगे निकल जाएंगे। आज भी है, 26 साल पहले मेरे साथ होता था, 20 साल पहले भी होता था, 15 साल पहले भी होता था, 10 साल पहले भी होता था, 5 साल पहले भी होता था, आज भी होता है और आगे भी होगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री का एंट्री डोर हर वक्त ओपन है और एग्जिट डोर भी ओपन है, और बीच में जो रहेंगे ना फिल्टर होकर रह जाएंगे, जो आपका लीडर बनेंगे और आगे बहुत बड़े बिजनेस खड़े करेंगे, वो सफल हो जाएंगे, और वो भी आपको सफलता दिलवाएंगे, इसकी गारंटी है। और चैलेंजेस आएगा आपके लाइफ में, सो वी डोंट ग्रो व्हेन थिंग्स आर इजी, वी ग्रो व्हेन वी फेस चैलेंजेस, क्योंकि आपकी हर कोई चैलेंजेस आपको बड़े से बड़े सफलता दिलवाएगा, और ये बड़े से बड़े सफलता की गारंटी देता है आपको। डरिए मत, बनाइए खुद को इतना जबरदस्त कि इससे बड़े चैलेंजेस आ जाए तो चैलेंजेस से ऊपर हम खड़ा हो जाएंगे और बोलेंगे, देख तुझसे बड़ा मेरा भगवान है, और तुझसे बड़ा मेरा प्रिपरेशन है, और तुझसे बड़ा मैं और कुछ कर सकता हूं, इसका विश्वास खुद के अंदर रखिए, और जब चैलेंजेस को आप ओवरकम कर लोगे, और उसी समय पे कभी कभी आपके विश्वास इधर उधर हो सकता है, अंडरस्टैंड। शुरुआत में लोग बहुत विश्वास करते थे, बीच में कभी ना कभी डाउट आ गया, काश राइट, मुझे नहीं लगता है कि ये होगा, वो होगा, ये होगा, बिजनेस चलेगा, लोग आएंगे, और लोग आएंगे, और लोग इस बिजनेस में आके लीडरशिप लेंगे और बड़ा बिजनेस होगा, मुझे डाउट है मेरा चेक्स आएगा नहीं आएगा, मतलब लोगों के विश्वास जो होती है ना, ये डगमगाना शुरू हो जाती है, अंडरस्टैंड। लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा दोस्तों, शुरुआत जब किए थे ना
मेरे अपलाइन मुझे एक चीज बताया था, देख तपन एक काम करना, जीवन में कभी खुद को अविश्वास मत करना और जीवन में कभी इसी कंपनी को अविश्वास मत करना और जीवन में कभी इसी सिस्टम को अविश्वास मत करना, जीवन में कभी प्रोडक्ट को अविश्वास मत करना। उन्होंने बताया था कुछ भी हो जाए तेरे साथ, बिजनेस नीचे चले जाए, लोग छोड़ के चले जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन खुद को अविश्वास मत करना, ऐसी कंपनी को अविश्वास मत करना, ऐसे सिस्टम को अविश्वास मत करना, ऐसे प्रोडक्ट को अविश्वास मत करना, क्योंकि यही वो कंपनी है, यही वो सिस्टम है, यही वो प्रोडक्ट है, और ये तेरा विश्वास है जो तुझे और एक बार तुझे लाइफ में चैंपियन बनाएगा। बस विश्वास करते रहना। और मुझे बताए थे बस तुझे कंपनी को ऊपर भरोसा रखना है, सिस्टम के ऊपर भरोसा रखना है, प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा रखना है, अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा रखना है, और सबसे बड़ी चीज भगवान के ऊपर भरोसा रख और तू मेहनत करता जा, तुझे बहुत जबरदस्त लीडर मिलेंगे और जिसको लेके तू बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है और बहुत बड़ी सफलता तू अचीव कर सकता है। और विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, और शुरुआत में लोग अपने विश्वास को खो देते हैं, शुरुआत में विश्वास करके शुरू कर लेते हैं, बीच में बिजनेस जब गिरता है, कोई छोड़ के चला जाता है, जब डाउनफॉल आता है, जब चैलेंजिंग सिचुएशन आता है, इंसान सबसे पहले जो खो देता है वो होता है अपना विश्वास। मत खोइए विश्वास, हर कोई चीजों के ऊपर रखिए। अगर आपने विश्वास कर लिया तो कुछ भी हो जाए दोस्तों, आपको दुनिया में बड़े से बड़े सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। हम शुरुआत में जो काम करते हैं, हम शुरुआत में जो काम करते हैं, जो उम्मीद के साथ इस काम को शुरू किया था, जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ हमने इस बिजनेस को शुरू किया था, ये सारी चीजें अचीव हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, हमको एक चीज हमारी माइंडसेट होती है, और वो माइंडसेट होता है कि मेरा सपना साकार होगा। लेकिन साकार तो होगा, लेकिन सपने को साकार करने के लिए हमको क्या, कौन सी रास्ते में हमको गुजरना पड़ेगा, ये लोगों के दिमाग में नहीं है। और आगे जो छोटे मोटे चैलेंजेस आता है, छोटा मोटा प्रॉब्लम्स आता है, लोग मना करना शुरू करते हैं, क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, और लोगों को लगता है कि और कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बात तो नहीं है मेरे दोस्त, बात तो नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस का एक हिस्सा है। बस तुम्हें और भी तगड़ा प्रिपरेशन करनी है और तगड़ा तैयारी करनी है, क्योंकि बड़े से बड़े सफलता आप पैदा हुए हो, बड़े से बड़े सफलता अचीव करने के लिए आप फेल्योर होने के लिए पैदा नहीं हुए हो, क्योंकि अपने दिमाग को उसी तरह कंडीशन करो, राइट? और वो कंडीशनिंग माइंड आपकी लाइफ में बड़े से बड़े सफलता आपको गिफ्ट करवाएगा। और सफलता की जो प्रोसेस, में सबसे पहला प्रोसेस जो मैंने बताया था उसको थोड़ा सा मैं आपको समराइज करके बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप्स होता है सपना। जीवन में बड़े सपना देखना शुरू करो, सपने के लिए काम करो, सपने के लिए काम करो। दुनिया भर के लोग अपनी जरूरत के लिए काम करते हैं, इसलिए जरूरत पूरी होते हैं, और जो लोग सपने के लिए काम करते हैं, इसके सपने पूरे होते हैं। बस सपना देखना शुरू करो, और सफलता का पहला प्रोसेस शुरू होती है अपने सपनों से। एक बार सपना देख लिया, उसके बाद करना क्या है कि आपको क्या करना है, डिजायर्स एंड गोल, आपके अंदर उसी चीज को हासिल करने की जो भावना, उसको हासिल करने की जो इच्छाएं, इसको और भी बड़ा करनी है, जिसको कहते हैं बर्निंग डिजायर, और उसके साथ आपको गोल सेट करनी है। और जब आप गोल सेट करते हो, जब आप गोल सेट करते हो मेरे दोस्त, तब उसके बाद आपको स्टेप्स फॉलो करनी है, पूरी की पूरी आपकी ड्रीम्स गोल्स को आपको पूरे डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है। पैसा कमाना है तो कितना कमाना है, गाड़ी लेना है तो कौन सी गाड़ी लेना है, कलर कैसा होना चाहिए, फॉरेन ट्रिप जाना है तो कब जाना है, घर बनानी है तो कहाँ पे बनानी है, कैसे बनानी है, ये सारी चीजों को पूरे के पूरे डिफाइन करो, आइडेंटिफाई करो। अगर ये हो गया उसके बाद प्लानिंग करो, क्योंकि बगैर प्लानिंग कुछ नहीं होता है। आपकी अपलाइन है जो आपको प्लानिंग में मदद करेगा, आपकी अपलाइन है जो आपको प्लानिंग में पूरे के पूरे आपके साथ देगा, आपकी अपलाइन है जो पूरे के पूरे आपको रास्ता दिखाएगा कैसे पहुंचनी है, और उसी चीजों को अनकंडीशनल एक्सेप्ट कर लेना और अगले 3 से 5 साल मान लेना, उसी प्लानिंग के साथ काम करना बहुत जरूरी है। और प्लानिंग हो गया तो आपकी एक्शन तैयार हो जाना चाहिए, आप तैयार हो जाओ काम करने के लिए। शुरू में हर कोई चीजें करने के लिए थोड़ी सी दुविधा आती है, क्योंकि शुरू शुरू में जब कर ले जाता था, और शुरू शुरू में मुझे, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता था। कोई भी काम शुरू करो तो आपको अनकंफर्टेबल लगता है, जो पहली बार सूट पहना था बहुत अनकंफर्टेबल लगता था, पहली बार जब मैंने कॉलेज गया फुल पैंट पहन के तब भी मुझे अनकंफर्टेबल लगता था, और जब मोदी केयर शुरू किया दोस्तों मैंने भी अनकंफर्टेबल फील किया। लेकिन काम जब शुरू होता है ना दोस्तों, बस काम करते जाओ करते जाओ, राइट? अनकंफर्टेबल शुरू में होता है, उसके बाद यूज्ड टू हो जाओगे, फिर एक्सपर्ट हो जाओगे। धीरे धीरे एक्शन करो, क्योंकि एक्शन वही चीज है जो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएगा। जब एक्शन करते हो तब चैलेंजेस आएगा, चैलेंजेस को समझ लेना ये सफलता की परछाई है। चैलेंजेस आ गया मतलब सफलता आने के आना बाकी है, वो आ ही जाएगा, बस हमको क्या करना है, हमारी प्रिपरेशन को और तगड़ा करनी है, बस इसीलिए चैलेंजेस आए हैं। और विश्वास रखो भगवान के ऊपर, विश्वास रखो खुद के ऊपर, जीवन में कुछ भी हो जाए दोस्तों,
बिजनेस आज गिरा है तो कल उठेगा, लोग छोड़ के गए तो आज कल बहुत लोग आएंगे, आज छोटा टीम था तो कल बहुत बड़ा टीम होगा, भरोसा रखो, विश्वास रखो खुद के ऊपर, लाइफ में कुछ हो जाए, जैसे मेरे अपलाइन ने मुझे बताए थे, खुद को अविश्वास मत करना, कंपनी को अविश्वास मत करना, सिस्टम को अविश्वास मत करना, जीवन में कुछ हो जाए मेरे दोस्त, कुछ भी खो दो लेकिन खुद के ऊपर विश्वास मत खोना, विश्वास कर लो खुद को, विश्वास कर लो इसी कंपनी को, विश्वास करो इस सिस्टम को, दुनिया में कुछ भी, आज दुनिया भर में लोगों को अलग अलग सिस्टम में काम करते हैं, लाइफ कुछ बेहतर नहीं हुआ है, यहाँ पे बेहतर हो सकता है, और आखिर में भगवान के ऊपर विश्वास रखो क्योंकि वही वो इंसान है जो आपको आशीर्वाद देगा, आपकी मेहनत तो देखेगा तो मजबूर हो जाएगा आपके सपने पूरे करने के लिए, भरोसा रखो उनके ऊपर और काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन भगवान मजबूर होकर आपको सफलता दिलवाएंगे, आप जब सफल बन जाओगे फिर सेलिब्रेट करेंगे, आप डायरेक्टर बन जाओगे, सीनियर डायरेक्टर बन जाओगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर एसीडी, प्लैटिनम, डायमंड, ब्लैक डायमंड, फिर रेड डायमंड, ग्लोबल रेड डायमंड, सेलिब्रेशन होगा, मैगजीन में फोटोग्राफ्स आएगा, हर जगह पे फूल की माला मिलेगी, तारीफें आएंगी, रिकॉग्निशन मिलेगा, खुशियां आ जाएगी और लोग आपको सफलता की नजर से देखेंगे, आपकी हर कोई सफलता सेलिब्रेट किया जाएगा और इसी प्रोसेस के जरिए बड़े से बड़े सफलता आप अचीव कर सकते हो, इसकी गारंटी है, बस विश्वास करो, काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आखिर में एक चीज बताऊंगा, मान लो कि मैं आज जुड़ा हूं तो आज से मुझे बेसिक्स करना शुरू हो कर लूंगा, आप कोई भी टाइटल भी होंगे, आप कहां पे भी होंगे मुझे पता नहीं, आपके टीम साइज कितना बड़ा होगा मुझे कुछ पता नहीं, आपके चेक्स कितने हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने डिसाइड किया, ये मेरा संकल्प है कि मैं जब भी बिजनेस मुझे लगता है कि बिजनेस से मुझे और बड़ा सफलता अचीव करना है, मैं बेसिक्स पे चले जाता हूं और मैंने अपना बेसिक शुरू कर लिया, बस अपना अपना बेसिक से शुरू कर लो, वही अचीवमेंट प्रोसेस की दिमाग में रखो, उसके ऊपर बार बार लोगों को बताओ और फिर खुद को ट्रेन करो और आगे बढ़ो और बड़े से बड़े सफलता अचीव करो, सो थैंक यू वेरी मच कमिंग एंड ज्वाइनिंग टूडेज प्रोग्राम और मेरे प्रोग्राम में बैठने के लिए और 1 घंटे से मुझे सुनने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, माफी चाहूंगा, एंड ओवर टू पवित्रा मैम। यस ओके सर, माइंड ब्लोइंग। मतलब मैं पूरी तरीके से मेसमराइज, एक सेकंड को पलक झपकाने के तक के लिए डर लग रहा था कि आई विल मिस आउट समथिंग। इट वाज अ माइंड ब्लोइंग सेशन सर। अगर मैं शब्दों में इसको बांधना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सागर को ना आप शब्दों में नहीं बांध सकते। आज का जो आपका सेशन रहा, जो आपकी ट्रेनिंग रही, वो किसी महासागर से कम नहीं है सर। एक एक शब्द, एक एक एग्जाम्पल ऐसा है कि अगर सिर्फ उसके ऊपर इंसान काम कर ले ना, तो वो लीडर भी बन जाएगा, उसके सारे सपने भी पूरे हो जाएंगे, पूरी तरीके से वो एक ऐसी जिंदगी जी पाएगा जो शायद उसने कभी सपनों में भी नहीं सोची होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू पवित्रा मच मैडम, थैंक यू वेरी फॉर अ मच, थैंक यू वंडरफुल थैंक सेशन सर। प्राउड ऑफ यू, यू थैंक प्राउड ऑफ यू। और मैं अपने यू आपको धन्य मानती हूँ कि आज मुझे आपको बुलाने का मौका मिला और पूरा के पूरा सेशन में इसको बहुत अच्छे से नोट्स बना के लिख के समझ पाई हूँ सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू फ्रेंड्स, मैम, थैंक यू, चलिए हम आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे। कल हम कुमार आर्यदेव जी के साथ में इम्यूनिटी बूस्टर के ऊपर ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में अपने आप को मास्टर बनाना है। तपन जी ने कहा कि हमको हर चीज में अपने आप को एक्सेलेंट करना है। तो आज आपने लीडरशिप डेवलपमेंट में अपने आप को एक्सेल किया है, इसी चीज को फॉलो कीजिए। ये पूरा के पूरा ट्रेनिंग सेशन जो है ना, जूम, फेसबुक पे लाइव ऑलरेडी गया है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आपकी टीम में से अगर किसी ने मिस आउट किया होगा, तो आपके पास हमेशा वो लिंक मौजूद है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। और कल शाम को 6:30 बजे हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच तपन दाग वंस अगेन।